श्री दिगंबर जैन विराग उदय तीर्थ पर विगत 5 फरवरी से चल रहे ऐतिहासिक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का 10 फरवरी को विधिवत समापन हो गया। सैकड़ों दिगंबर संतों के सानिध्य में गजरथ फेरी निकाली गई, जिसके बाद महामस्तकाभिषेक का शुभारंभ हुआ। गढ़ाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज के आशीर्वाद से उनकी जन्मस्थली दमोह के ग्राम पथरिया में विरागोदय तीर्थ के निर्माण पर महामहोत्सव का भव्य आयोजन चल रहा है। इस दौरान 1 से 15 फरवरी के मध्य ध्वजारोहण, युग प्रतिक्रमण, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा, गजरथ एवं महामस्तकाभिषेक के साथ ही अनेक आयोजन हुए हैं। 10 फरवरी को पंच कल्याणक महोत्सव का विधिवत समापन हुआ। इस दौरान गजरथ फेरी निकाली गयी। इस अवसर पर गढ़ाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज एवं अन्य संतों की आहार चर्या हुई। नगर में पड़गहन कर भक्तों ने सभी संतों को आहार कराया। प्रभु अभिषेक पूजन एवं शांति धारा करने के बाद श्राविकाएं भक्ति में नाचते झूमते हुए नजर आईं। इसके बाद गढ़ाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का पाद प्रक्षालन कर शास्त्र भेंट किए गए। इसके बाद आयोजक समिति की ओर से सभी आगंतुकों का स्वागत अभिनंदन किया गया। इसी मध्य गढ़ाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज ने उपस्थित समाज को संबोधित किया। छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाते हैं, छोटी छोटी कष्टों से डगमगा जाते हैं, छोटी मोटी परिस्थितियां हमारे लिए धर्म से डगमगा देती हैं, डमाडोल कर देती हैं। प्रतिमा जगत के जीवों के लिए यह उदाहरण है कि अगर आप ऊंचा उठना चाहते हैं, ऊंचाइयां पाना चाहते हैं, तो चोटों को भी सहन करने की क्षमता रखिए। प्रवचनों उपरांत श्रावक श्राविकाओं को विश्व शांति महायज्ञ में आहुतियां देते हुए विश्व शांति की कामना की। इस आयोजन के दौरान कार्यक्रम से जुड़े सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए। हमारे समाज का पूरा सहयोग मिलता है और उसी कारण समाज में हम आगे इस कार्यक्रम को कर सकते हैं, क्योंकि हमारा समाज पूरे भारतवर्ष में देश विदेशों में ही है। हमको उन लोगों की प्रेरणा से, उनके सहयोग से ही यह कार्य पूरा करते हैं। छोटे से ग्राम पथरिया, जहां पर परम पूज्य राष्ट्र संत विराग सागर जी महामुनिराज के सानिध्य एवं साथ ही 350 पीसी के सानिध्य में यहाँ पर पंच कल्याणक संपन्न होने जा रहा है। निश्चित ही पूरे जैन समाज के लिए गर्व का विषय है कि पथरिया में ऐतिहासिक कार्यक्रम ये संपन्न होने जा रहा है, जहाँ पर 350 पीसी और पूरा समाज, पथरिया ही नहीं, संपूर्ण बुंदेलखंड ही नहीं, संपूर्ण मध्य प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ के कार्यक्रम को अटेंड कर पुण्यार्जन कर रहे हैं। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में होने जा रहे पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में साक्षता के रूप में यहाँ पर उपस्थित हूँ। यहाँ पिछले 10 दिन से बहुत ही भव्यता के साथ आयोजन चल रहा है पंचकल्याणक महामहोत्सव का, जिसमें 350 पिछी उपस्थित हैं और जिनके पावन सानिध्य में ये कार्यक्रम होने जा रहा है। आज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत ही शानदार व्यवस्थाओं के साथ ये पंचकल्याणक संपन्न हो रहा है। पंचकल्याणक महोत्सव के समापन अवसर पर सैकड़ों संतों के सानिध्य में गजरथ फेरी निकाली गई। स्थानीय जैन समाज बड़ी संख्या में इसमें सम्मिलित हुआ। बैंड बाजों के साथ गजरथ महोत्सव की छटा तीर्थ पर नजर आई। तीर्थ पर सैकड़ों संतों के श्री चरणों से वहां की धरा और भी पावन हो गई। बड़े ही विरले होते हैं
जिन्हें साक्षात इतने बड़े संघ के पावन दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाए। संतों का अपार समूह इस बात का प्रतीक था कि विरागोदय की ये धरा कोई सामान्य नहीं रही, ये हिस्सा बन चुकी है उस श्रमण परंपरा के पथ का, जिसे संसार भ्रमण से मुक्ति का एकमात्र पथ माना जाता है, और वह पथ है दिगंबर मुनि का। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार विरागोदय तीर्थ का अद्भुत नजारा 10 फरवरी को पंचोत्सव के समापन अवसर पर देखने को मिला। हाथियों के पीछे चल रहा जनसमूह ऐसा लग रहा था मानो लोग गजराज उस भीड़ का नेतृत्व कर रहे हों। ऐसे ऐतिहासिक पलों के साथ पंचकल्याणक का समापन हुआ। जैन फोकस के लिए विरागोदय तीर्थ दमोह मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।